हेलो बच्चों, हमने लास्ट क्लास में चैप्टर 3 में आपका स्टार्ट किया था स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन, जो एलसीएम लेके आप दो दो पेयर बना के निकालते हो, दैट इज नोन एज द परफेक्ट स्क्वायर बाय फैक्टराइजेशन। सो मैंने आपको लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन कराए थे उस टाइप के क्वेश्चन में आपको आ सकते एग्जाम्पल के कुछ क्वेश्चन कराने वाली हूँ। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट और सेकंड पार्ट आप कर सकते हो, स्क्वायर रूट ऑफ दिस एंड दिस। अब आपको इसको एलसीएम लेके दो दो के पेयर बना के निकालना है, ठीक है, वो आप कर सकते हो। अब जैसे थर्ड पार्ट है, तो मैंने क्वेश्चन आपको पहले भी कराया था, द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 432 शुड बी डिवाइडेड। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर की जिससे 432 डिवाइड होना चाहिए ताकि हमारा परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। जैसे अब 432 का जब आप एलसीएम लोगे, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हमें इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो अब इसको क्या करोगे, सबसे पहले आप एलसीएम लोगे, ठीक है, ये हमने एलसीएम ले लिया। अब आप 432 को, आपको इतना पता है कि आपको फैक्टर सीखते हैं, जितने भी 2, जितने भी 3, जितने भी डिजिट लिखे वो सारी आपने लिख लिया। जैसे 2 आपका है 4 टाइम्स और 3 आपका है 3 टाइम्स, ठीक है। अब आपको उसे पेयर बनाना है, तो आपको पता है कि दो दो के पेयर बनाने। अब एक ये लेफ्ट आउट बच गया, जो लेफ्ट आउट बच गया या तो हम इसको हटा दें या एक एक्स्ट्रा लगा दें। एक एक्स्ट्रा लगाने का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है, तो मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, एक एक्स्ट्रा लगाना ताकि हमारा पेयर बन जाए। और डिवाइड का मतलब क्या होता है कि एक एक्स्ट्रा को रिमूव करना, ठीक है, इसमें एक एक्स्ट्रा ऐड करना, एक एक्स्ट्रा रिमूव करना, दोनों केसेस में हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, राइट। अब जैसे कि अब हमें इस 3 को हटाना है, तो 3 को हटाने का रिमूव करने का मतलब डिवाइड करना है। सो 432 शुड बी डिवाइडेड बाय किससे, 3 से, टू गेट परफेक्ट स्क्वायर। बस आपने क्या करना है, हमने सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, जो एक्स्ट्रा है उसी से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, उसी से डिवाइड करोगे। अब आपको मैं एक प्रूफ दे रही हूँ, जैसे हम अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं 432 को, अगर हमने इसको 3 से डिवाइड किया तो हमारा क्या चीज़ आई, 144, राइट, 144 हमारा आया। अब 144 का अगर आप फैक्टराइजेशन करोगे तो दैट विल बी योर परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, 1, 8, 2, 9, 3, 3, 1। आपके 2 कितने आए, 1, 2, 3, 4, यानी कि 2 का पेयर, 2 का पेयर, और ये 3 भी कितनी बार आया, 2 बार, 2 का पेयर, ये आपका क्या बन गया, परफेक्ट स्क्वायर। तो इसी तरह से अगर आप और 432 को जैसे मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन भी मैं अलग से कराती हूँ उनको, हाँ देखो, अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब आपको इसमें फैक्टराइजेशन मेथड से आपको ये सॉल्व करना है। जैसे मैं आपको करवाती हूँ, जैसे 625, ठीक है, मान लो क्वेश्चन नंबर 2 का 7 पार्ट 625, आपको इसमें सिंपल क्या करना है, एलसीएम लेना है, ठीक है। सबसे पहला मैं 5 से ले रही हूँ, 125, फिर से 5, 25, 5, 5। अब आपको पता है कि अब इसमें कितने पेयर बन रहे हैं, 625 इज 5 × 5 × 5 × 5। अब जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो आपको क्या करना होगा, तो के पेयर निकाल देने हैं, 5 × 5 यानी कि 25। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन है 2304 पार्ट, यानी कि आपका 11 पार्ट, 2304, सबसे पहले 2 से 1 1 5 2 5 7 6 2 8 8, एंड आई होप कि ये सबको आता हो, ठीक है, एलसीएम लेना, 272 236 2
और याद रखना इसमें अलग अलग डिजिट कवर करना, कि टू का ले लिया बाकी नहीं जा रहा तो खाली टू टू का चलता रहेगा, वन 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 और थ्री का अलग से, ये पूरी एक डिजिट है समझ आया। अगर ये पूरी डिजिट अगर यहाँ पे एक चीज़ आ जाती जो इससे नहीं जा रही तो आप पूरा उसका एलसीएम नहीं ले सकते। जैसे मैं आपको बताती हूँ जो बच्चे कई बार गलती करते हैं, पहले हम इसे सॉल्व करते हैं, 1 8 9 और ये 3 3 1। आपको कितने टू बन गए, मैं सिर्फ आपको पेयर बता रही हूँ, वो आप बना सकते हो। तो 1 2 3 4 और यानी कि आपको इतना पता है कि आपका इसमें कोई भी लेफ्ट आउट नहीं बचा। तो 2 3 0 4 का जो आप करोगे तो आपको इसे पेयर बनाने, कितने टू हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 2s हैं। इंटू थ्री, ठीक है। पेयर आपके क्या बने, 1 2 3 4 और ये के अलग से 5, रूट के अंदर ही, ठीक है। 1 2 3 4, 4 2 आ गया आपके पास और 1 3 आ गया। दिस इज द योर आंसर, यानी कि 2 3 0 4 का स्क्वायर। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं तो मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि 4 0 4 0 1, यहाँ पे फर्स्ट का सेकेंड पार्ट है, करोगे आप कुछ जो बच्चे गलती करते हैं सिर्फ वो बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने अलग से कर दिया, जैसे कुछ बच्चे 4 0 4 0 1, अब इसका एलसीएम लेना। अब बच्चे क्या करते हैं कि हम इसको 2 से ले लेते हैं कि 2 0 2 0 और ये 1 का 1 रहेगा, नो बिल्कुल भी नहीं। आपको वो डिजिट लेनी है जो इस पूरे को डिवाइड करती है, ताकि मुझे इसका पता है कि इसका आंसर 2 0 1 आएगा। आप 2 0 1 को 2 0 1 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका देखो आंसर क्या आएगा, यानी कि आपको पहले तो आप इससे बताते हो, आप इसको 3 से करोगे तो चला जाएगा, पूरी डिजिट आपकी जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप इसको 2 से करोगे, क्या बच्चे से कहते 4 0 4 0 1, 2 से किया तो 2 0 2 0, अब ये नहीं जा रहा, ये एज इट इज दिख दिया कि हम इसको एंड में करेंगे, बिल्कुल भी मत करना ऐसे। पूरी डिजिट आपकी जानी चाहिए कि पूरी डिजिट आपकी किस तरीके से जा रही है, ठीक है। जैसे अगर आप 3 से डिवाइड करते हो तो आपका क्या जाता है, 1 3 4 6 और 7, तो ये आपका पूरा चला गया। इस तरीके से आपने करना है कि एस जी डिजिट से आपने मल्टीप्लाई डिवाइड करना है जो आपका पूरा का पूरा बनाता हो, ठीक है। अब देखो, अब जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच बाय विच 3888 मस्ट बी मल्टीप्लाई सो दैट द प्रोडक्ट बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर। सिंपल, वही चीज आपको मल्टीप्लाई करके परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो आप क्या करोगे, 1 9 4 4, आपने जो चीज़ सारी एलसीएम लेनी है, सबसे इंपॉर्टेंट है फैक्टराइजेशन करो, यानी एलसीएम करो, ठीक है। 9 7 2 4 8 6 2 4 3 1 2 7 9 3। अब देखो, अब मैं आपको पूरा लिख के नहीं दिखा रही, बस पेयर बता रही हूँ, एक ए पेयर, एक ए पेयर, एक ए पेयर, एक ए पेयर, ये आपका बच गया लेफ्ट आउट। तो यानी कि आपको 3888 को मस्ट बी किससे, अब मल्टीप्लाई पूछा तो मल्टीप्लाई करने, ताकि हम इसको एक मल्टीप्लाई करके 3 1 ऐड कर देंगे, पेयर बन जाएगा, पर बन नहीं रहा। सो 3888 मस्ट बी मल्टीप्लाइड by 3 to get perfect square। अगर यकीन ना हो तो 3888 को 3 से मल्टीप्लाई करो, एक यहाँ पे एक 3 से मल्टीप्लाई करोगे वो डिजिट आ जाएगी, एक 3 का पेयर बन जाएगा और ये लेफ्ट आउट जो है उसके साथ आ जाएगा। दैट्स इट, दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 2 3 5 4 5 मस्ट बी डिवाइडेड। मस्ट बी डिवाइडेड क्या करना है, मतलब कि उस जो आपका लेफ्ट आउट है उसको क्या करना है, हटाना। सो मस्ट बी डिवाइडेड सो इट बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन, और उसका जो परफेक्ट स्क्वायर आएगा आपको उसका स्क्वायर रूट निकालना है, यानी कि 2 3 5 4 5 का। जैसे कि अगर मैं कहूँ इसका भी परफेक्ट स्क्वायर निकालना है, आपको स्क्वायर रूट निकालना है, आपको दिए नहीं हुआ, तो 3888 को जैसे आपने मल्टीप्लाई किया,
अगर आप अब इसको जब आप स्क्वायर रूट करोगे तो ये आपका आ जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। क्या आएगा? टू 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 थ्री थ्री और एक और थ्री का पेयर बन जाएगा, दैट्स इट। ये आ जाएगा आपका परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। यानी कि कुछ क्वेश्चन नंबर 4 तक आप इस कॉपी में कर सकते हैं। थैंक यू।